हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जीरो ज्ञान। और आज की इस वीडियो में हम UPSI के पेट से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, जिसका कि डेट अनाउंस हो गया कि आपका पेट जो होने वाला उस किस डेट को होगा। अगर हम बात करें तो दोस्तों, इसी मंथ जो अप्रैल मंथ चल रहा है, इसी में आपका पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपको जिसको अगर फुल फॉर्म की बात करें तो जिसका फुल फॉर्म होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको दौड़ करनी होती है। दोस्तों, अभी 14 अप्रैल को ही इसका UPSI का जो 9534 पोस्ट है उसका रिजल्ट आया हुआ था, और इससे रिलेटेड जो पेट होना है उसके लिए भी डेट अनाउंस कर दी गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में देखेंगे और प्रूफ के साथ देखेंगे कि कब उस डेट को अनाउंस किया गया है। उससे पहले दोस्तों, हम बात करें अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की जो एलिजिबिलिटीज़ है उसमें हम बात करें, तो सबसे पहले आपको अगर मेल वर्ग में, मतलब आप मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 4.8 किलोमीटर 28 मिनट्स में आपको दौड़ लगानी है, और अगर फीमेल हैं आप तो 2.6 किलोमीटर आपको 16 मिनट में कंप्लीट करना है। दोस्तों, इसका जो अनाउंसमेंट है उसमें एक उत्तर प्रदेश में एक बहुत फेमस अखबार है जिसका नाम है हिंदुस्तान, उसमें अपडेट किया गया कि आपका जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसका जो एडमिट कार्ड कब से रिलीज होगा। तो दोस्तों, इसमें हम अगर रिजल्ट की बात करें तो इसमें अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उसको जो वैकेंसी थी उसका 3.5 गुना बुलाया गया है पेट के लिए, मतलब आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अगर देना है तो उसमें 4-4 गुना बच्चों को बुलाया गया, जबकि फीमेल की बात करें तो उसमें 3.5 गुना फीमेल को बुलाया गया दौड़ के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि उसका जो डेट है वो कब का है, ठीक है। तो चलिए हम हिंदुस्तान का ऑफिशियल पेज पे चले जाते हैं। ये यहाँ पे देखिए, जो यूपी पुलिस SI पेट का एडमिट कार्ड आपको 25 अप्रैल को इसका स्केड्यूल है, जो 25 अप्रैल को इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप अपनी दौड़ को अभी से करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी 25 अप्रैल को ही आपको जो है कि दौड़ लगानी पड़ सकती है। अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये जो वैकेंसी थी 9534 पद जिसमें थे, उसमें आपको नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर PSC और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए पोस्ट निकाली गई थी। इसका जो आयोजन, जो दक्षता परीक्षा का आयोजन होना है वो 25 अप्रैल 2022 से किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। तो इसके लिए कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कुछ दिया नहीं गया, लेकिन कहीं ना कहीं से सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 25 अप्रैल से जो है जो कि आपका PET होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा, और किसका किस डेट को आएगा वो पूरे डिटेल में 25 अप्रैल के बाद से ही जो कि UPSI की ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसका जो परिणाम है वो आपको 14 अप्रैल 2022 को जारी कर दिया गया था, जिसमें कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उसमें जो उनकी जो वैकेंसी थी उसमें 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, और जो फीमेल थी उनका 3.5 गुना बुलाया गया, ठीक है। दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम होता है 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 के बीच में चला हुआ था, जिसकी कट ऑफ दोस्तों आपको पता ही होगा सबके लिए अलग अलग कट ऑफ थी। अगर हम जनरल वर्ग की बात करें तो उसका 302.094 थी, EWS की बात करें तो 285 थी, OBC की बात करें तो 287 था, और SC का बात करें तो 260 था, ST का 223 था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे कुल जो PET के लिए जो चयनित विद्यार्थी हैं उनका जो डिजिट है 36,170 है, तो 36,170 लोगों को PET के लिए बुलाया जाएगा। आप अपना दौड़ बनाए रखें और बहुत तन मन धन से इस PET के एग्ज़ाम को दीजिए। नीचे जो दिया गया दोस्तों, देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का प्रारूप जो है पुरुष अभ्यर्थी के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी 28 मिनट में जिसको पूरा करना होगा, और महिला अभ्यर्थी के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी जो कि 16 मिनट में पूरी करनी होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना था, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।